नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने मोदी सरकार द्वारा उठाया गया यह घातक कदम जहां दुनिया भर को चौंका रहा है, वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर वासियों को गर्व की अनुभूति भी करा रहा है। शहीद के गांव में आज गम के आंसू नहीं बल्कि गर्व के आंखें नम हुई। शहीद के गांव से लेकर शहर की गलियों तक लोग खुशी मनाकर शहीदों को नमन कर रहे हैं। हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। गौरव का दिन इस बात के लिए नहीं कि आज मोदी जी ने पुनः एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करके अपने मंसूबों को, इस सेना को, शौर्य के पराक्रम को जो उन्होंने परचम पूरे देश में लहराया है, बल्कि इस बात के लिए भी है कि जहां पूरे विश्व में अमेरिका और इजराइल एक ऐसा देश था जो अपनी सेना का बदला, यदि उनकी सेना को छेड़ा जाता था तो उसका बदला लेने का साहस रखती थी, आज हमारा हिंदुस्तान भी उस देश में शामिल हो गया है। उसने बता दिया है कि यदि हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज का दिन शौर्य दिवस के रूप में मनाया। पाकिस्तानियों के हमले के बाद आज जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने और हिंदुस्तान की सेना ने पलटवार किया, उसमें 300 आतंकी मारे गए, उसी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जिस तरीके से मोदी जी ने उनको ये ट्रेलर दिखाया है, आगे वह समझ जाए आने वाले समय में पाकिस्तान पर हमला होगा और पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान के कब्जे में आ जाएगा। जो पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है, पाकिस्तान के लिए ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 दिन, अभी शहीदों को 13 दिन भी नहीं हुए, 13वीं, और उनको श्रद्धांजलि देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए। मोदी शहीदों के सम्मान में मोदी जी मैदान में, भारत माता की जय, मोदी जी जिंदाबाद। जबलपुर से भाजपा विधायक अशोक रूहानी ने भारतीय वायुसेना को पुलवामा अटैक के पलटवार पर बधाई देकर कहा कि बमबारी करके जो लगभग 300 आतंकियों का खात्मा किया गया है, उससे पूरा देश प्रसन्न है। वायुसेना के जवानों को सैल्यूट करता हूं कि पुलवामा के जो शहीद हुए उनका उनने बदला आज लिया है और लगभग 300 आतंकियों को मारा है और उन पर हम उनके ऊपर जो बमबारी किया उससे आज पूरा शहर, पूरा देश प्रसन्न है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।